एक्सक्यूज मी, इट्स ऑलरेडी 10:30, कब तक आएंगे सर? हाँ बस आने वाले होंगे। आप लोगों को जो फॉर्म दिए थे आप सभी ने फिल कर दिए? जी। ठीक है। हेलो सर। हेलो, वो मुझे एक बात पूछनी थी, वे इंटरव्यू में क्या करते हैं? वो मेरा फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा डर लग रहा है यार। जो करना चाहिए था वो तो तूने किया नहीं। ऐसे कपड़ों में इंटरव्यू देने कौन आता है भाई? ये देख इधर, टिप टॉप। हो ही नहीं सकता कि मैं इंटरव्यू पास ना करूं। लेकिन सर वो नॉलेज। अरे यार नॉलेज को आजकल कौन देखता है। हेलो भाई, मुझे किसी भी हाल में ये इंटरव्यू क्लियर करना है, आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो? आप इंटेलिजेंट लग रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंट लग रहा हूँ? आई एम इंटेलिजेंट, आई एम वेल क्वालिफाइड। बाय द वे, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? वो मुझे पूछना था। लीव इट ब्रो, यू आर नॉट गुड इनफ टू गेट एनी टिप्स एज यू आर आस्किंग दिस इन हिंदी। यू हैव टू आस्क दिस इन इंग्लिश ब्रो। क्यों, हिंदी में क्या दिक्कत है? दिक्कत? इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ रिचनेस, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटेलिजेंस। यू कैन अट्रैक्ट एनीबडी विद इंग्लिश एंड यू हैव टू डू दिस इंटरव्यू इन इंग्लिश ब्रो। नहीं नहीं, मैं तो हिंदी में दूंगा। ओके, देन वी विल सी हु विल गेट सिलेक्टेड। गुड लक। हेलो सर। हाँ। वो आप मेरी हेल्प कर सकते हो? हाँ भाई। वो दरअसल मैं पहली बार इंटरव्यू देने आया, तो मुझे पता नहीं है, थोड़े टिप्स मिल जाते तो। क्या स्टडी की है तुमने? मैंने MBA किया है फाइनेंस में। वो अब तुम्हें अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज है ना पूरी? उसके बारे में तो नॉलेज है पूरी। तो बस फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये, सभी लोग बोल रहे हैं कि अगर सिलेक्ट होना है तो इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहन के आना, तो ये सब बोल रहे हैं। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? अब जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, आपको अगर उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वहाँ आपके कपड़े और वहाँ लैंग्वेज आपकी क्या कर लेगी, ठीक है ना? आखिरकार सामने वाला तो यही देखेगा ना कि आपको नॉलेज कितनी है और आप अपने स्किल्स को मैं कितना डीपली समझते हो उनको। मतलब मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा? हाँ यार हो जाओगे, डोंट वरी। ठीक है सर, इंटरव्यू शुरू करें? इंटरव्यू शुरू नहीं, इंटरव्यू खत्म हो चुकी है। इनको सिलेक्ट किया मैंने जॉब के लिए, इनको मेरे ऑफिस में भेजो और बाकी सभी को घर भेजो। जब आप लोग ये कपड़ों और इंग्लिश को छोड़कर नॉलेज पर ध्यान दोगे ना, तब आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट प्लान। कपड़ों पर इत्र लगाकर महकना कोई बड़ी बात नहीं, महके जब किरदार तो मजा आता है। यूं तो सज धज के खूब मिलती है वाहवाही, भीड़ में अकेले की हो जाए पहचान तो मजा आता है।